नमस्कार, मेरा नाम सदनजन, आप देख रहे हैं एक News 24। एनडीए में वापसी नीतीश कुमार की हो चुकी है। एस जनवरी को वापसी हुई नीतीश कुमार की। नए नवेली बिहार में 5 साल के अंदर में तीसरी बार सरकार बनी है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। 9 मंत्रिमंडल जो शपथ लिए थे उनकी कारोबार जो है शुरू हो चुकी है। सब अपने अपने कारोबार संभाल चुके हैं। ऐसे में एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार के जो जदयू के प्रदेश कार्यालय पटना में है वहाँ पे पोस्टर भी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। पोस्टर बदल चुका है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में 12 तारीख को कुछ बड़ा खेल होने वाला है। ऐसे में देखना है कि क्या सच में बड़ा खेल होने वाला है। तेजस्वी यादव ये दावा किए हुए हैं, कर रहे थे। राजद के कई बड़े नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में कुछ भी संभव है, खेला हो सकता है और हम लोग खेला करने के लिए तैयार हैं। हम बात करें अवध बिहारी चौधरी की, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा नहीं दिए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जब एनडीए में वापसी नीतीश कुमार की हुई तो पोस्टर भी बदल चुका है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि 3 पोस्टर यहाँ पे नीतीश कुमार के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया है। विकास के प्रति संकल्पित यानी नीतीश कुमार के पोस्टर है। 3-3 फोटो है, नीतीश कुमार के 3-3 इमेज है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। एक जनता दल यूनाइटेड के जो गेट है वह दूसरा गेट है, उसके बगल में इनका एक विकास के प्रति संकल्पित ये पोस्टर लगाया गया है। और वो एक दूसरा पोस्टर जो देखो उसमें चरखा का सीन है। और हमारे दूसरे फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार का चेहरा है और विकास के प्रति संकल्पित यानी साफ तौर पर जो विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं उसका यहाँ मैसेज संदेश दिया जा रहा है। एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार की जदयू के प्रदेश कार्यालय के बाहर इनकी पोस्टर बदल चुकी है। और अब नीतीश कुमार के जो पोस्टर लगाए, 3-3 बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, विकास के प्रति संकल्पित नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं। हम ठीक जदयू के प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं। यहाँ नीतीश कुमार के कार्यालय प्रदेश कार्यालय के बाहर यहाँ विकास के प्रति संकल्पित नीतीश कुमार के पोस्टर के साथ 3-3 बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में उनकी वापसी हुई है और नीतीश कुमार दिल्ली गए हुए हैं। आज ही उनकी वापसी होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आधे घंटे की मुलाकात हुई। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात हुई। और गृह मंत्री अमित शाह से भी, जो कि राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या मसला सुलझा लिया जाए तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो यहाँ बस प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए थे, वो तो बात की बात है, सीट कहाँ लड़ जाएगी। यानी पुराने ही फार्मूले पे नीतीश कुमार बिहार में फिर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एनडीए में वापसी के बाद नीतीश कुमार के प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर और रंग सूरत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। विकास के प्रति संकल्पित नीतीश कुमार के पोस्टर के साथ यहां पर बिहार में प्रदेश कार्यालय जो पटना में है नीतीश कुमार के बाहर में 3-3 बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। यानी साफ बिहार की राजनीति बदल चुकी है। 12 तारीख को क्या बड़ा खेल होगा इसके लिए आप बने रहिएगा एक News 24 पर। हम आगे हर अपडेट आपको पल पल पहुँचाते रहेंगे। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदनजी पटना हूँ।